जोगी के गढ़ में आज से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम सभा को संबोधित करेंगे। लगातार 3 दिनों तक सीएम बघेल मरवाही के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार के साथ ही सीएम बघेल रोड शो भी करेंगे और मरवाही को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट का दावा किया है और कहा है कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां के लोगों के साथ आत्मीय संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जो विकास कार्य किया है उसका प्रतिसाद हमें मिलेगा। वहीं बीजेपी के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई दिग्गज नेता भी मरवाही के चुनाव में उतरेंगे। कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहाँ के लोग हमेशा वहाँ लोगों से आत्मीय संबंध रहा है और जो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उसके प्रतिसाद हमको मिलेगा। 3 तारीख को मतदान होगा, 10 तारीख को। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता वैभव शिव पांडे लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, अब दोनों ही पार्टियां मैदान में आ गई हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से अब चुनाव प्रचार जोरों पर किया जा रहा है, पर अगर जनता की बात करें तो जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर? ये उपचुनाव होने जा रहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जोगी का गढ़ है, जोगी का इलाका है और उस जगह पे ये चुनाव होने जा रहा है, वो भी पहली बार ऐसा मौका है जब बिना जोगी के ये चुनाव हो रहा है, यानी अजीत जोगी की मौजूदगी नहीं है और उस बीच में ये चुनाव होने जा रहा है तो निश्चित तौर पर एक सियासी तौर पर हो जाता है। इसलिए इस चुनाव पर उपचुनाव पर जो है निगाहें न सिर्फ जो है प्रदेश की जनता बल्कि देश के बड़े सियासी नेता है उनकी भी है कि क्या जोगी का वर्चस्व जो है टूट जाएगा, क्या जोगी परिवार से जो है चुनौती किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी से मिल रही है, उस बीच में कांग्रेस क्या जीत पाएगी, ये तमाम सवाल है क्योंकि पिछले 20 सालों से वहां पे अजीत जोगी ही जो है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर की, आपको बता रहे कि छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होना है और दोनों ही पार्टियां लगातार चुनावी मैदान में उतर गई हैं। आपको बता रही कि सीएम भूपेश बघेल के बीच वहां रैलियां हैं तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह भी अब चुनावी मैदान में उतर आए हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा दिखाती है। बाकी अगर पिछले आंकड़ों की बात करें तो कई सारे राज्यों में जहां उपचुनाव हुए वहां ये भी देखा गया कि जो राज्य में जिसकी सरकार होती है ज्यादा पलड़ा भारी उसी पार्टी का दिखाई देता है। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वैभव एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वैभव, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि अजीत जोगी इस वक्त नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है उनकी नाराजगी का भी असर पड़ेगा? बार से चूंकि चुनावी मैदान में कोई नहीं है, जेसीसी के तरफ से कोई भी प्रत्याशी मैदान पे नहीं है, यह जरूर है कि जोगी परिवार जो है जनता के बीच में पहुंच रहा है और ये कोशिश है कि इस चुनाव उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ में जो है मतदान हो, लेकिन जिस तरीके से माहौल कांग्रेस पार्टी ने उस पूरे उपचुनाव में बना दिया है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मरवाही में मौजूद हैं और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिनों तक जो धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं तो उससे एक व्यापक माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये माहौल मतदान में कितना तब्दील हो पाएगा ये तो 3 नवंबर के बाद पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस वहां पे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में भी है, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो लगातार जो है जमीनी स्तर पर जाकर मेहनत भी कर रहे हैं और कांग्रेस के पास विकास कार्य को गिनाने के लेकर के ढेर सारी उपलब्धियां भी है जिसके चलते कांग्रेस वहां पे जनता के बीच में व्यापक जन समर्थन जुटाने में कुछ हद तक जो है बाकी अन्य दो दल हैं उनसे आगे तो नजर आ रही है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कांग्रेस की सरकार ने यानी कि भूपेश सरकार ने पेंड्रा जिला की जो सौगात दी है, पेंड्रा गौरेला मरवाही जिला बनाने की जो सौगात दी है क्षेत्रवासियों की, जो कि लंबे समय से मांग थी, जो मांग न तो अजीत जोगी अपने शासन काल में पूरा कर पाए और न ही रमन सिंह 15 साल में पूरा कर पाए, उसे भूपेश सरकार ने अपने 20 महीनों के कार्यकाल में पूरा कर दिया है, तो इसका भी एक बड़ा असर उस इलाके में दिखाई देगा इस उपचुनाव में। लेकिन बात वही है कि कितना जो है मतदान कांग्रेस के पक्ष में हो पा रहा है ये 3 नवंबर के बाद पता चलेगा।
जहां तक आज की बात है तो आज मरवाही इलाके में भूपेश बघेल तीन जो है आम सभा को संबोधित करेंगे, डोंगियार में, कोटागार में और जोगीसार में। जोगीसार में जो सभा होने जा रही है भूपेश बघेल की, वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि जोगीसार अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी का गांव है और उसके गांव में जाकर भूपेश बघेल जो है हुंकार भरेंगे और जनता से जो है वोट की अपील करेंगे कांग्रेस के पक्ष में। तो ये देखना होगा कि उस जगह पे जाके भूपेश बघेल किन बातों पर जो है फोकस रहते हैं, वो किन मुद्दों को जो है जोगीसार में उठाते हैं और स्वर्गीय अजीत जोगी के इलाके में जाकर के वो किस तरीके से जनता से वोट की मांग करेंगे। ये सब जो है आज देखने को मिलेगा जो तीन महीने से सभा होने जा रही है। सीएम खुद मैदान में उतर आए हैं चुनावी प्रचार को लेकर, दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो वो भी पूरी ताकत झोंक रही है, और तीसरी तरफ अगर बात करें तो अमित जोगी की नाराजगी है, जोगी परिवार की नाराजगी है। अगर अभी के हालातों की अभी के हालात हम देखें तो किस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए फिलहाल स्थिति तो कांग्रेस की मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है। और मैं जो बात कह रहा हूँ कि जिला बनाने से जो एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना है मरवाही के इलाके में, वो चीज भी जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जहां तक बात जो है बीजेपी की है तो बीजेपी के पास फिलहाल कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसको ले जाके वो जनता के बीच में रखे। उनके पास ये कहने के लिए जरूर है कि केंद्र में उनकी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और उनके बलबूते पर जो इलाके का विकास है वो किया जाएगा। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और अभी 3 साल का एक लंबा वक्त है, ऐसे में मरवाही की जनता बीजेपी के साथ जाएगी या नहीं जाएगी ये बहुत कहना जो है मुश्किल है। ये जरूर है कि अमित जोगी यानी कि जोगी परिवार का जो दबदबा उस इलाके में रहा है और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लिए जो मतदान करते रहे लोग या जोगी के लिए जो मतदान करते रहे लोग, वो मतदान जो है कांग्रेस के लिए होगा या फिर बीजेपी के लिए ये अभी स्पष्ट नहीं है। अमित जोगी या जोगी परिवार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो खुद तो चुनावी मैदान में नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम किसी भी दल का जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम जनता से न्याय मांग रहे हैं, जोगी परिवार के लिए जनता न्याय करे। तो ये न्याय किस रूप में है दिखाई देगा ये देखना होगा। चूंकि अमित जोगी अगर खुलकर बीजेपी के साथ नहीं है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। जोगी परिवार के बिना जो है बीजेपी वहां पे एक तरीके से कहिए काफी संघर्षमय स्थिति में है। अगर जोगी परिवार का सपोर्ट उनको अंतिम क्षणों में होगा बीजेपी को, तभी वो कांग्रेस को चुनौती देने की स्थिति में दिखाई दे पाएगी। फिलहाल कांग्रेस का पलड़ा जो है वो काफी भारी है और भूपेश बघेल भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि ये उपचुनाव अन्य उपचुनाव से जो है सहज नहीं है, आसान नहीं है। जैसे कि उनके ही नेतृत्व में दो उपचुनाव हुए, सभी पार्टियों ने तैयारी कर ली है और किसी के लिए उपचुनाव आसान नहीं होने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो ग्वालियर से